नमस्कार, मैं एडवोकेट उत्तम जागीरदार, बातें लोकतंत्र की मैं आपका स्वागत करता हूँ। 17 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हाल ही में अनाउंस हुए हैं और इस इलेक्शन में 90 करोड़ वोटर्स अब हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें तकरीबन 25 करोड़ यूथ वोटर्स हैं और यूथ वोटर्स यही इस इलेक्शन की एक विशेषता है। इस 25 करोड़ यूथ वोटर्स में पहली बार जो वोटिंग करने जाने वाले लोग हैं वो है 13 करोड़। तो ये 13 कोटि यूथ्स अपनी ज़िंदगी में अब पहली बार इलेक्शन करने वाले हैं, चुनाव में हिस्सा लेंगे और जनता के प्रतिनिधि को चुनेंगे। ये 13 करोड़ में 7 करोड़ यूथ लड़के हैं और 6 करोड़ लड़कियां हैं। ये जो 25 करोड़ जो यूथ हैं वो एवरेज उनकी एज जो है वो 24 साल की है। बहुत सारे जो यूथ्स हैं वो 24 साल से भी कम एज के हैं और इसमें तकरीबन 73% यूथ वोटर्स वो रूरल एरिया से आते हैं और इनकी भरमार बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इस राज्य में ज़्यादा है। ये 25 करोड़ जो यूथ वोटर्स हैं उसमें 43% जो यूथ्स हैं वो या तो बिना शिक्षित है या अर्ध शिक्षित है और पूरे के पूरे बेरोज़गार भी है या अर्ध रोज़गार पाने वाले लोग हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स किसानी करते हैं, खेत मजदूरी करते हैं या वो घरेलू कामगार हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो यूथ्स हैं इनकी समस्या क्या है। तो हमें ये सोचने की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो यूथ विभिन्न पार्टियों ने जो अभी लोकसभा में अपने कैंडिडेट्स फील्ड किया हैं, क्या सही मायने में ये यूथ्स को ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझेंगे वो, चुन के आने के बाद उनकी समस्या को वो हल करेंगे, उनके पास क्या प्रोग्राम है। इतनी बड़ी तादाद में ये वोटर्स जब वोट डालते हैं तो उनके दिलो दिमाग में ये तो ज़रूर बात होगी कि जिनको हम चुनने जा रहे हैं वो हमारे रोजी रोटी के, हमारे शेल्टर के, एजुकेशन के, आरोग्य के सवाल को वो हल करेंगे, कुछ भी तो प्रोग्राम देंगे। मगर आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सामने कोई भी एजेंडा नहीं रख रही है कि ये हमारा रोड मैप है, इस समस्या को हम इस कदर हल करेंगे, हमारा ये प्रोग्राम है, ये तो बात कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और अब हम देखते हैं कि हमारी बहुत बड़ी संख्या जो यूथ्स है वो जो सेंट्रल इंडिया से आती है, यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ के यूथ ज़्यादा करके हमें सांप्रदायिक दंगों में उलझे हुए नज़र आते हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, इसमें इनको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है
कि हमारे देश को, देश के जो यूथ भारी संख्या में है उनको भटकाव में लाया गया है, और वो यूं ही कोई भी दिशा नहीं पाने की वजह से खलाओं में गुजर रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन अगर खाली दिमाग रखने वाले हमारे यूथ अपने प्रतिनिधियों को चुनने वाले हैं, तो एक बहुत ही डरावनी बात हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए और हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी है कि हम कौन से रहनुमा चुनने वाले हैं और वो रहनुमा हमारे लिए कैसे लाभदायक होंगे। अगर कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं दी जा रही है, तो इतनी भारी संख्या में हमारे यूथ किसको चुनेंगे, कैसे चुनेंगे। ये बात बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो मेरी खास करके हमारे यूथ को ये गुजारिश है कि आपके सामने जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स आते हैं उनको पहले पूछिए कि आप हमारे लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं, और ये भी देखिए कि उनके बारे में उनका पिछला तजुर्बा हमारा क्या है। क्या उन्होंने, जब हमने उनको एक टर्म दी है, तो कुछ हमारे लिए किया है क्या? हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे आवास की समस्या के लिए और हमारे सेहत की समस्या के लिए उन्होंने अभी तक कुछ किया है, और आगे करने का उनका क्या इरादा है, क्या प्रोग्राम है? इसको उनको, इसके बारे में उनको वो पूछे और फिर सोच समझकर अपना कीमती वोट वो यह बक्से में डाले। यही मेरी ये यूथ से गुजारिश है। थैंक यू।